आप सभी अपने अपने सोशल मीडिया पर तिरंगा लगाएं, आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं, ये बातें जेपी नड्डा की तरफ से कही गई हैं। हम आपको कुछ और जानकारी देते हैं कि इस बार इसे एक बड़े कैंपेन के तौर पर क्यों लॉन्च किया गया है। बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान क्या है, संसद दल की बैठक में बीजेपी ने फैसला लिया। 9 से 15 अगस्त तक तिरंगा को विशेष अभियान के तहत यहां पर चलाया जा रहा है। 9 से 11 अगस्त तक प्रभात फेरी करते हुए तिरंगा अभियान का प्रचार किया जाएगा और प्रभात फेरी में रघुपति राघव, राजा राम और वंदे मातरम जैसे गीत जो हैं वो बजाए जाएंगे। कार्यक्रम में हर सांसद को मौजूद रहने का निर्देश जो है वो दिया गया है। महापुरुषों की मूर्तियों की साफ सफाई जो है वो भी की जाएगी। 10 से 12 अगस्त तक बीजेपी युवा मोर्चा की तिरंगा बाइक यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम जो है उसे भी चलाया जाएगा। संसदीय दल की बैठक में जेपी नड्डा का बीजेपी सांसदों को निर्देश है। तो ये तमाम जानकारियां जो है, अजय उपाध्याय जी हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी से। अजय उपाध्याय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया कि यहां से आप लोग अपनी अपनी डीपी जो है उसे चेंज कर दें। सवाल तो पहला मेरा आपसे यही कि इस पर आपका रिएक्शन क्या है और क्या आपने अपनी डीपी को चेंज किया? पहले बात की धन्यवाद दूंगा कि ऐसे मुद्दों पर आपने आज चर्चा की है और भाजपा को भी मैं व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम ईश्वर ने उन्हें सद्बुद्धि दी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जिन लोगों ने राष्ट्रीय तिरंगा जो देश की एकता, अखंडता, वीरता और त्याग का प्रतीक है उसको लेकर के 52 वर्षों तक झंडा को, इस तिरंगे को अपने आरएसएस के कार्यालय पर फहराने से मना किया, कहीं ना कहीं इस झंडे की का अपमान करने का काम किया, आज कम से कम उस पाप का प्रायश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, मुझे पूरी आशा है कि जो 52 वर्षों तक जिन लोगों ने झंडा नहीं फहराया, देश के भाजपा के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत, कम से कम उस नहीं फहराने के लिए और देश के झंडे के अपमान के लिए राष्ट्र से क्षमा मांगेंगे, क्योंकि तिरंगा जो है एक प्रतीक है देश की अखंडता का, देश की विविध संस्कृति का, शांति, सच्चाई और सौहार्द का। इतिहास में जो हमारे सैनिकों ने बलिदानी दी है उसका, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो सेनानी थे, जिन सेनानियों ने अपनी जान गंवाकर देश की स्वतंत्रता और दिलाने का काम किया, ये एक तरह से हमारा प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह है। इस पर कोई राजनीति नहीं, कोई भेदभाव नहीं और सभी लोग आत्मगौरव के साथ तिरंगे के मान सम्मान में सदैव खड़े रहे हैं। सभी पार्टियां, सभी व्यक्ति, सभी दल, कोई पार्टी यदि इसको व्यक्तिगत तौर पे एक मुहिम चलाना चाहती है और इस पर कोई सियासत करना चाहती है तो मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो अजय उपाध्याय जी, क्या इसका मतलब, मैं ये मानूं कि आप भी प्रधानमंत्री को सहयोग करेंगे और अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्विटर, व्हाट्सएप या हर जगह पर आप भी तिरंगा लगाएंगे, उन 20 करोड़ लोगों में शामिल होंगे? देखिए, हमारे हमारे देश के सभी साथी, देश के सारे कांग्रेस के साथी हों या सामान्य लोग हों, हमने तो तिरंगा घर पे लगाने का अधिकार प्राप्त किया है सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, और हमारे सांसद नवीन जिंदल जी ने इसको केस लड़ करके कोर्ट से, और हम, आपने देखा होगा, अब हम सभी लोग अपने अपने घरों पर समय समय पर तिरंगे के मान सम्मान में झंडा भी लगाते हैं, डीपी भी लगाते हैं। भाजपा इसको राजनीतिक जरूर दायरे में सिमटना चाहती है, एक पार्टी के दायरे में, ये देश का दायरा है, पार्टी का दायरा नहीं हो, ठीक है। और भाजपा को पहले प्रायश्चित करना चाहिए, पूछिए 52 साल तक इन लोगों ने झंडा क्यों नहीं लगाया, क्या इसके लिए क्षमा मांगेंगे भाजपा? ठीक है, अमर मलिक जी, देखिए अजय उपाध्याय जी कह रहे हैं कि जो आज आपने मुहिम शुरू की है उसके लिए आपको और आपकी पार्टी को साधुवाद, वो भी डीपी लगाएंगे, वो भी उनकी पार्टी के लोग भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तिरंगे को लगाएंगे, सजाएंगे, दिल में भी रखते हैं, लेकिन वो एक सवाल पूछ रहे हैं कि, और ये सवाल अक्सर सोशल मीडिया पर भी लोग पूछते हैं, मैं चाहता हूं कि इसको लेकर आज हम एक बार क्लेरिफाई कर ही दें कि जो ये बात कही जाती कि 52 साल तक आप लोगों ने तिरंगे का विरोध किया और अब नए राष्ट्रवाद की नई छाया में आप लोग उसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसमें सच्चाई कितनी है, यह आरोप कैसे आप देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है आपको प्रायश्चित करना चाहिए जो आपने इतिहास में गलतियां की हैं। देखिए, भाजपा ने अगर राष्ट्र ध्वज को ना लगाया हो
तो मैं अभी ऐलान करता हूं कि मैं यहां से अपना सार्वजनिक जीवन छोड़ के रिटायरमेंट ले लूंगा। अगर ये सिद्ध कर दें कि भाजपा ने राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया हो। हाँ, बात आती है राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की, जिसके ऊपर अधूरे ज्ञान से राहुल बाबा से लेके बाकी सारे बाबा जो है अपना विचित्र ज्ञान देते हैं। और मैं क्यों बोलता हूँ विचित्र ज्ञान, उसके लिए भी बता दूं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की नहीं बल्कि अपने आप देश की राजा समझा। लेकिन ये आरएसएस जो है वो एक सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो कभी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं। दूसरी चीज, अगर इतना ही है तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि 1947 से लेके जब तक नवीन जिंदल जी ने व्यक्तिगत रूप से, कांग्रेस ने नहीं लड़ाई लड़ी थी, नवीन जिंदल जी ने व्यक्तिगत रूप से लड़ी थी। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये 47 से लेके जब तक वो लड़ाई हुई तब तक हर मस्जिद के ऊपर, हर गुरुद्वारे के ऊपर, हर गिरजाघर के ऊपर, हर मंदिर के ऊपर तिरंगा क्यों नहीं लगा, हर किसी और चीज के ऊपर क्यों नहीं लगा? साहब, तब देश के अंदर कानून ये इजाजत नहीं देता था। तीसरी बात, मैं ये पूछना चाहूंगा, जिस हामिद अंसारी को आपने देश का उपराष्ट्रपति बनाया और वो राजपथ के ऊपर देश को 26 जनवरी के दिन सल्यूट नहीं करता, एक भी खंडन आपने नहीं करा। आप बात करते हैं कि आपके राज के अंदर भारत के लाल चौक के अंदर श्रीनगर में झंडा नहीं फहराया जा सकता था, यह आपकी देन थी। उसके अलावा भी आपको एक चीज बता देता हूं कि ये जो नेशनलिज्म की बात है ना साहब, आप मी माइसेल्फ एंड आई करते रहे यहां लोग भी, क्योंकि ओरिजिनल कांग्रेस कामराज जी और मुरारजी भाई देसाई ने जनता पार्टी में मर्ज कर दी थी। ये मिसेस गांधी की कांग्रेस है, ये ओरिजिनल कांग्रेस नहीं है। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि आपकी नेशनल पॉलिटिकल पॉलिसी क्या है, नेशनलिज्म से जुड़ा हुआ आपका स्टैंड क्या है? आप जब विरोध करते हैं तो आप सिर्फ विरोध करते हैं मोदी का, तो बहुत अच्छी बात है, भाजपा का विरोध करें बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मोनोक्रोमैटिक सोसाइटी नहीं है, ये बाइपोलर होनी चाहिए, पॉलिटिक्स हमेशा बाइपोलर होनी चाहिए या मल्टीपोलर होनी चाहिए। आप क्या करते हैं वो मैं बताता हूं, आप इतने जिसे बोलते हैं ना असक्षम हैं विरोध करने में भी, कि आप विरोध करते करते ये भूल जाते हैं कि कब आप व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं या पार्टी का विरोध कर रहे हैं और कब आप राष्ट्र के विरोधियों। नहीं तो ऐसा आप क्यों कह रहे हैं रमन मलिक जी, वो तो क्या अजय जी तो कह रहे हैं कि देखिए हम भी तिरंगा लगा रहे हैं और हम लोग भी अपने व्हाट्सएप पर लगाएंगे, हम तो सहयोग करने की बात कर रहे हैं, फिर आप ये बातें क्यों कह रहे हैं कि वो नेशनल इंटरेस्ट में गलत चीजें कर रहे हैं? मैं बताता हूं क्यों कर रहे हैं। छोटा सा जवाब सर, फिर उनसे बहुत छोटा सा जवाब जी, बहुत छोटा सा जवाब। एक बार हामिद अंसारी का खंडन कर दीजिए ना, जो राष्ट्र के राष्ट्रध्वज हो रहा होता है, राष्ट्रगान हो रहा होता है, नेशनल एंथम बज रहा होता है और उनसे सलामी नहीं दी जाती, क्या यही राष्ट्रवाद है? आपने ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाया।